हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वी चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीआई एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, आईटीआई में एक न्यू राउंड स्टार्ट कर दिया गया है जिसका नाम है सीएलसी राउंड। जी हां दोस्तों, सीएलसी राउंड स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है सीएलसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर इस राउंड में एडमिशन नहीं हुआ तो इसके बाद आप कोई सा भी राउंड नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके बाद कोई भी राउंड आता है तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अब जो लास्ट राउंड रहने वाला है वो हमारा सीएलसी राउंड है। ओके, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ क्या है, किस तरह से होता है सीएलसी राउंड, मैं आपको सब कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा फिफ्थ राउंड, जी हाँ दोस्तों, हमारा फिफ्थ राउंड कब समाप्त हुआ था, हमारा फिफ्थ राउंड जो 19 तारीख को समाप्त होना था उसकी फिर एक दिन है जो डेट बढ़ा दी थी, तो अब कितनी कर दी थी 20 तारीख। तो हमारा जो फिफ्थ राउंड कब तक चला था, 20 तारीख तक चला था, 20 अक्टूबर तक। इसके बाद हमारा कौन सा राउंड होना था, सिक्स राउंड। यानी कि सिक्स राउंड का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जितनी भी सारी सीटें खाली होंगी, जिस कॉलेज जितनी सीटें खाली होंगी उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो वो राउंड था उस राउंड को ख़त्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी जगह पर कौन सा राउंड स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है सीएलसी राउंड। कौन सा राउंड बना दिया है, सीएलसी राउंड। अब सीएलसी राउंड में एडमिशन की प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता भी रहा हूँ। मैंने किस तारीख को भी बताया था, 22 तारीख को भी बताया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको अब इस वीडियो में सीएलसी राउंड की जो प्रोसेस थी पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सीएलसी राउंड स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, हमारा सीएलसी राउंड वो हुआ था 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 21 से 23 के बीच में हमारा कौन सा राउंड स्टार्ट हुआ था, हमारा राउंड हुआ था दोस्तों सीएलसी राउंड। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ राउंड के बाद जितनी भी सारी सीटें खाली रह गई थी 20 तारीख को, जितनी भी सारी सीटें खाली रह गई थी, उसके बाद 21 तारीख को हमारा न्यू राउंड आया जिसका नाम था सीएलसी राउंड, और जो कि 23 तारीख को चलना था। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आयोजित सीएलसी राउंड में की जाने वाली कार्रवाई। तो देखिए, 21 तारीख को कौन सी कार्रवाई होनी थी, 22 को क्या कार्रवाई होनी थी और 23 को क्या कार्रवाई होनी थी, इस पीडीएफ में कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो देखिए, 21 तारीख को कौन सी कार्रवाई होनी थी सीएलसी राउंड के लिए, तीन प्रोसेस से होकर गुजरा है हमारा सीएलसी राउंड। देखिए, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ था, पूर्व में रजिस्टर्ड आवेदक चाहें तो, यानी कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया वो कैंडिडेट चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग में चेंजिंग कर सकते हैं। नए आवेदक भी रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, चॉइस फिलिंग नहीं की थी, वो भी अब न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यह कार्रवाई रात 12 बजे तक कर सकते हैं। तो 21 तारीख को रात को 12 बजे तक क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हुआ था। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था, जो कि कम्युनिटी टैब में मैंने आपको बताया भी था कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों, हमारा 22 तारीख को यानी कि 22 अक्टूबर को कौन सी कार्रवाई होनी थी वो मैं आपको बता दीजिए। प्रातः 7 बजे एमपी ऑनलाइन द्वारा मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी था, सुबह 7 बजे हमारी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी 22 अक्टूबर को। इसके बाद में क्या हुआ था, आईटीआई के द्वारा 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थित मार्क की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, फिफ्थ राउंड में हुआ था कि फिफ्थ राउंड में जितने भी सारे हमने चॉइस फिलिंग किए थे उसमें से एक कॉलेज में हमको एडमिशन लेने के लिए क्या कराने जाना था, हमको मार्क कराने जाना था अपने कॉलेज में। तो उसी प्रोसेस इसी में भी है, यानी कि सेम प्रोसेस है। तो हमको कितने बजे से जाना था, 22 तारीख को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमको क्या करना था, अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में अपने कॉलेज को मार्क कराने के लिए जाना था, ठीक है। इसके बाद में मार्क होने के बाद में एमपी ऑनलाइन के द्वारा 4 बजे एक उपस्थिति अनुसार फाइनल मेरिट सूची जारी की गई। मैंने आपको बताया अभी तक कल वीडियो के माध्यम से कि हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जो कि 4 बजे के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी जारी कर दी गई। पहले जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वो प्रेफरेंस वाइज की गई थी। इसके बाद में जैसे ही आप मार्क करा लेते थे उस वो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाती थी, यानी कि हमारा अलॉटमेंट लेटर हो जाता था। इसके बाद आपको क्या करना था, जिस कॉलेज में आपने मार्क कराया था उस कॉलेज में आपको फिर से जाना था। देखिए, मेरिट सूची जारी होने के बाद मेरिट सूची अनुरूप विद्यार्थियों को दस्तावेजों की जांच की जाएगी, यानी कि जिस कॉलेज में आपने मार्क कराया था अलॉटमेंट लेटर आने के बाद उस कॉलेज में आपको फिर से जाना है। अब किसके लिए जाना होगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहले गए थे आप मार्क कराने के लिए, अब जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं कल की डेट में, यानी कि 22 तारीख की डेट में, आपको क्या करना था, आपको 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट करनी थी। लेकिन दोस्तों, अब 12 बजे तक क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाई, क्योंकि 7 बजे के आसपास हमारी लिंक आई थी जो कि फीस सबमिट करने की, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गाँव से हैं जो कि एमपी ऑनलाइन पर नहीं जा पाए थे। तो इसी बीच में क्या हुआ, इन्होंने हमारी जो क्या किया है, इन्होंने
अपनी जो लास्ट डेट थी पीस सबमिट करने की उसको बढ़ा दिया है, यानी कि आप कितनी लास्ट डेट कर दी, 23 तारीख लास्ट डेट कर दी। अब आपकी जो पीस सबमिट हो जाएगी 23 तारीख तक आप अपनी पीस को सबमिट कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे, यानी कि आज लास्ट डेट है पीस सबमिट करने का, तो 23 तारीख को आप अपनी पीस सबमिट कर लीजिए अगर आपका कॉलेज में नाम आ गया है। अगर आपका अभी तक कॉलेज में नाम आ गया है तो जल्दी से पीस सबमिट कर लीजिए, और अगर आपका नहीं आया है तो अब आपके कॉलेज में नाम आने के बहुत कम चांसेज हैं, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी नेक्स्ट राउंड नहीं है, ये लास्ट राउंड था हमारा। इसके बाद दोस्तों 23 तारीख को क्या हुआ था, 23 तारीख को बहुत सारे इस कॉलेज में जो कि कितनी सारी सीटें खाली रह गई होंगी उन सीटों की जानकारी फिर से अपडेट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं वो आप चेक कर पाओगे। आज अब फिर से अपडेट कर दिया है, वैकेंट सीट को चेक करने का प्रोसेस मैं आपको जल्दी बता दूंगा कैसे चेक करना है आपकी कॉलेज में कितनी सारी सीटें खाली हैं। बस यहीं तक CLC राउंड का प्रोसेस जो आपको अच्छी समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक करना वीडियो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जो हमारा CLC राउंड चला है किस तारीख से 23 तारीख के बीच में चला है। ओके, वीडियो का इंपैक्ट करते हैं, संभाव मिलने के साथ, तब तक लिए बाय।